अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज है जुम्मा जी, सबको जुम्मा मुबारक। तो आज आ गया अब्दुर्रफ़, माशाल्लाह से सुबह पहुँच गया है। मैं अपने कामों में लगी हुई थी, मैंने कहा शायद लेट हो जाए। मैंने जब फ़ोन किया तो कहता मामा मैं थोड़ा सा दूर ही हूँ। तो मैंने कहा चले आप आते हैं तो फिर इकट्ठे नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं ऊपर जाती हूँ, मशीन लगा लूँ, कुछ काम कुम कर लूँ राबिया के आने से पहले। तो जैसे ही मैं ऊपर गई हूँ तो अब्दुल वासे की आवाज़ आई, मम्मा जल्दी नीचे आ जाए, भाई आ गया है। तो मैंने कहा ओहो, मैंने कहा चले मैं अपना काम कर लूँ, लेकिन अच्छा फिर सारा कुछ छोड़े नीचे आए, नाश्ता बनाए सारा दिन, फिर उसके बाद एक मिनट भी नहीं लगा। हाँ जी कहाँ से केबल की फीस? अच्छा चलो मट्टी देखो, हवा देखो, बाल भी कटिंग भी करवानी है। अच्छा चलो एक और तो ये देखे जी माशाल्लाह से ये इजाफे भी आ गए। ये देखे जी बच्चे इधर मुकरो, सलाम करो, ऐसे नहीं करते। चलो ठीक है तो चले जी मैं दिखाती हूँ। ओए ओए इतनी हवा चल रही है, दरवाजे बंद करो, ये पीछे वाला दरवाजा देखो इसकी लॉक लगाओ। वासे ये देखिए जी मैं दिखाती हूँ, बर्तन लेके आई थी, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि बर्तन मैं लेके कुछ आई हुई हूँ अलमारी की। वो पीछे लॉक लगाओ और पीछे की लाइट भी बंद करो, वो देखो ऊपर से मुझे नज़र आ रही है। तो वीडियो मैं रात को बना रही हूँ। ओहे ऊपर के दरवाजे बंद है सारे, सफाई की सुबह की सफाइयां कर रहे थे हम, मैं और आबिया दोनों खप गए सफाइयां कर करके, काम नहीं मुकदे जी, बंदा खत्म हो जाता है। अब्दुर्रफ़े वासे ये दरवाजा भी बंद करो, ये वाला भी बेटे मेन एंट्रेंस वाला भी करो, सारी मट्टी अंदर आनी है, पता है सुबह के कितना खपे हम। ये देखे जी बर्तन लेके आई हूँ, अलमारी बस रह गई है, साफ सुफ सारा कुछ कर लिया लेकिन बर्तन सेट करने वाले रह गए हैं। तो मैंने कहा मैं अब वीडियो बनाती हूँ, अब हो गई हूँ मैं फ्री, तो अब मैं बनाती हूँ वीडियो। तो मैं दिखाती हूँ बर्तन आप लोगों को मैं क्या लेके आई हूँ बर्तन। तो अब्दुल वासे मेरे साथ बाज़ार जाता है तो कहता है मम्मा जी मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैं ना एक दफ़ा खोल लूँ सारा फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी ये नान का बॉक्स लेके आई हूँ मैं, कि बकरा ईद पे सबकी दावत होती है, यासिन के पूरे कज़न सारे आते हैं, सारा ख़ानदान मेरा ससुराल वाला सारा ही आता है माशाल्लाह से, यासिन साहब के सारे कज़न आते हैं, सब सारा ख़ानदान मेरे ससुराल वालों का आता है। चलो बर्तन खोलते फिर मैं दिखाती हूँ सेट करती हूँ। तो पहले मैं खोलूँ, अब्दुल वासे को साथ लेती हूँ, राफी अपना काम कर रहे हैं उसको नहीं मैं कहूँगी। जी ये बर्तन देखिए जी मेरे माशाल्लाह से, ये देखिए ब्लैक कलर का सेट लेके आई हूँ, मार्बल का है ये, ठीक है चीनी का, मार्बल का नहीं है चीनी का ये, ठीक है। ये देखिए ब्लैक प्लेट है ये, मैं मेरे ना इसके साथ की वो कप भी हैं पिरचे भी हैं वो ऊपर हैं, मैंने कहा चले मैं पूरा सेट ऐसे कर लेती हूँ। पहले मेरा एक वाइट कलर का भी बिल्कुल इसी स्टाइल में ही है, लेकिन ब्लैक की अपनी एक ग्रेस है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा सेट लेके आई हूँ, मैंने साल बाद बर्तन बना लिए होते हैं, साल में वैसे भी थोड़ा बहुत टच जैसे ग्लास वगैरह। अब्दुल वासे तो घर आके कहता है पापा जी औरतें जो होती हैं ना उनको कपड़ों का होता है, हमारी मम्मा को बर्तनों का होता है, और वाकई ऐसा ही, ये झूठ नहीं कहते बच्चे। अब्दुल राफे भी जाता है वो भी कहता है मम्मा अल्लाह का वास्ता बर्तनों वाली दुकान पर ना जाना आप। तो ये देखें ये कटोरियाँ हैं, पूरा सेट मैंने ये लिया है, वो जैसे पूरा बना हुआ सेट होता है ना वो नहीं लिया। ये देखें ये मैंने खुद सेट बनवाया है, ठीक है। ये जी मैं एक बेच का लेके आई हूँ, जैसे कि आजकल चल रहे हैं फ्लैट वाले कढ़ाई शेप की नहीं है, और मैंने लेना था कुकर भी, मेरा जो कुकर है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, वो मैं देखती हूँ अभी जाना है मैंने बाज़ार। तो ये देखें एक इससे बड़ा देखा था मैंने, पहले बड़ा लेने लगी फिर मैंने कहा नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है, और वैसे भी ज़रूरत की ही चीज़ें लेनी चाहिए, बच्चे कहते हैं मम्मा ऐसे लेती रहती है, ज़रूरत की चीज़ें ये लिखे बड़ा इसके लिए। तो मुझे तकरीबन कोई साल से बच्चे पीछे लगे हुए थे, दो तीनों ही बल्कि
मम्मा ग्रिल पैन लेके आए हैं। मम्मा आप इतने अच्छे हमें सैंडविच बना के देती हैं, तो हमें ग्रिल वाले बना के दें। तो मैंने कहा अच्छा चले ईद के मैं ला ही देती हूँ, बर्तन तो मैंने लेने ही हैं, मैंने साल बाद बर्तन बनाने होते हैं, और इसके साल के बीच में भी ले आती हूँ यानी कि साल बाद ही। ये देखिए फिर मैं ग्रिल पैन लेके आई हूँ, ये देखिए अभी इसे वो बंद नहीं है, अब खुल, ये देखिए मैंने खोल लिया है, खुल भी जाता है, ये लग भी जाता है, ये देखिए। नहीं नहीं ऐसे ये इसको यहाँ जी ऐसे लग गया है ना। हाँ जी ये एक्स्ट्रा उन्होंने बीच रबड़ दी हुई है, मैं पहले लेने लगी थी ढक्कन के बगैर, फिर मैंने कहा नहीं ढक्कन के बगैर का कोई फ़ायदा नहीं है, ढक्कन वाला सही रहता है। ये देखिए लॉक भी है इसका, ये पता नहीं ये सही बंद नहीं हुआ, सही बंद है, मैगनेट है ना, ये है मैगनेट, मैगनेट इसका, हाँ हो गया। ये देखिए इसका लॉक भी लग गया, ठीक है। और ये नॉन बॉक्स लेके आई हूँ, तो ये एक नॉन बॉक्स लेके आई हूँ मैं, ठीक है, पहले भी है तो मैंने कहा एक और ले आऊँ। बकरा ईद पे मेहमानों की, मतलब के जैसे यासिन की सारी फैमिली की, मेरे ससुराल वालों की सारी फैमिली की दावत होती है माशाल्लाह से, हर साल होती है ऐसे। और ये देखिए चम्मच, ये बकरा ईद पे जैसा कि ये देखें, ये पता नहीं चीज़ मेरे लगा था बस निकालते निकालते, पापा को दिखा रही थी इतनी ज़ोर से लगा था। ये देखिए जी स्पून लेके आई हूँ, कांटे वगैरह छोटे चम्मच बड़े थे मेरे पास थे माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ घर में जितनी भी चीज़ें हैं उतने ही काम होती हैं। और कुछ ये लेके आई हूँ, नमक दंगे लेके आई हूँ, ठीक है। ये गिलास तो माशाल्लाह से, ये तो सबको पता आता है, गिलास तो जितने ले आए उतने ही कम है। ये देखिए ये लेके आए, मेरे पास पहले भी थे लेकिन मैं कहती हूँ कि घर में एक्स्ट्रा चीज़ें हों, ज़्यादा मेहमान आ जाएँ तो परेशानी ना हो। ये जो मेरे बर्तन हैं, ये मेरे इस बर्तनों की मैं हिस्ट्री बताती हूँ, ये देखें जी इस इन बर्तनों की मैं हिस्ट्री बताती हूँ आप लोगों को। ये देखें ये तो माशाल्लाह, ये बर्तन समझ ले के मेरी जान है बस। ये एक साल पहले मैंने इस इन जो बॉल दिखा रही हूँ ना आप लोगों को, एक साल पहले मैंने प्लेटें ली थी, ठीक है, प्लेटें ली थी, तो मुझे ना जहाँ से मैंने प्लेटें ली थी तो वो भाई कह रहे हैं भाजी आप ना ये ले जाए, मेरी आदत है कि मुझे जहाँ से कोई चीज़ अच्छी लगे ना तो मैं थोड़े से पैसे, अब बकरे को तो चुप करा ला, उन्हें अपना ही शोर पाया बोलने में समझ ही नहीं लग रही, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं थोड़े से पैसे जमा करवा के ना तो फिर मैं अपना मतलब कि अपना पक्का लगाती हूँ कि ये मेरे ही बर्तन है। तो ये ना मैं फिर मुझे ना कहीं से वो जैसे मैंने ले लिए वो प्लेटें ले लिए, बड़ी प्लेटें छोटी प्लेटें फिर उससे छोटी प्लेटें, लेकिन मुझे वहाँ से बॉल और ये जो कटोरियाँ ना ये नहीं मिली थी, कहते थे बाजी मंगवा देंगे, लेकिन मैंने 3-4 दफ़ा पता किया वहाँ से नहीं मुझे मिले, लेकिन फिर मुझे ना एक दुकान पर मुझे नज़र आ गई, मैंने फिर वो अपने जेहन में बैठा लिया कि मैंने ये लेने ही लेने, तो वो मैं ऊपर जाती हूँ, ये मैं ऊपर अलमारी में लगाऊँगी, नहीं मेरे ख्याल में ये नीचे ले के आती हूँ, ठीक है। ये ब्लैक वाले बर्तन जो है ना, ब्लैक वाले बर्तन मैं नीचे लगाऊंगी, ऊपर लगाऊंगी, और ये वाले जो है ना ये मैं ऊपर लगाऊंगी, ठीक है, दिखाऊंगी भी कुछ अलमारी में जो सेटिंग करूंगी वो भी मैं दिखाती हूँ, ये ड्राइंग रूम में जो मैं लेके आई हूँ उनके मैट वगैरह वो भी दिखाती हूँ, तो चले वीडियो को पूरा देखे फिर पता चलेगा। ये देखे जी माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ कपड़े पहने भी तब भी अच्छे लगते हैं जब तक घर सेट हो, और इस जो मैंने ये दिखाया ना बर्तन, इनके साथ की डिशें फिर नहीं मुझे मिली, बकरे ने इतना शोर मचाया हुआ, वो कहता मेरे सामने ही बैठे रहे, तो डिशें मुझे फिर नहीं मिली, मैंने कहा वाइट ही मिल जाए लेकिन वाइट भी नहीं मिली, तो मैंने कहा चले खैर वाइट सेट मेरा है चल जाएगा, तो फिर मैं बात वही दोबारा करने लगी हूँ कि कपड़े पहने भी तब भी अच्छे लगते हैं, घर सेट हो घर मेंटेन हो, तो मैं सुबह की लगी हुई थी सफाइयाँ को, राबिया भी मेरे साथ ही थी, मैं अकेली नहीं कर रही थी, तो मैं राबिया के साथ, राबिया के आने से पहले मैंने आधा काम कर लिया था, तो ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा जी अब मैंने ये अपनी टोकरियाँ चेंज करूँ, ये साफ करूँ नीट करूँ, ये देखे मट्टी इसमें, ये देखिए सामने खिड़की है, तो आज बहुत अंधेरी थी तो मैंने कहा सारा कुछ साफ कर लिया, बस यही देखे, ये देखिए इसके बीच मिट्टी, और इनको चेंज करूँ इनमें रखूँ,
और जो अस्ट्रा है वो इसको धो के इसमें रखती हूँ। चले मैं साफ़ सुथरा करके सारी चीज़ें रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ले जी माशाल्लाह टोकरियाँ मैंने चेंज कर ली हैं। ये जो छोटी थी इसमें मैंने अस्ट्रा वगैरह रख ली हैं। ये स्प्रे बॉटल जो थी ये पहले मैंने बड़ी में रखी हुई थी, अब वो इसमें स्पेस ज़्यादा थी, ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। ये देखिए ओहो ये गिरती है। चलो तो फिर मैंने स्प्रे बॉटल जो है ना ऑयल वाली वो मैंने इसी में रख दी है छोटी में, तो बड़ी में ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए अस्ट्रा मैंने इसमें रख दिया। अस्ट्रा मैं इधर नहीं रखूँगी, अलमारी के अंदर रखूँगी। और ये आइस क्यूब्स वाला थक बहुत गया ना ऐसे उल्ट उल्ट, देखा मेरे तो हाथों में भी दर्द है। ले जी माशाल्लाह से जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जब अलमारी सेट करूँगी बर्तन लगाऊंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह से सारी सेटिंग चेंज की है। और मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी अलमारी की सेटिंग कैसी लगी है। अब चलते हैं गेस्ट रूम में, तो वो मैं मैट लेके आई थी। मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी सेटिंग कैसी लगी है। तो अब चलते हैं गेस्ट रूम में, वो दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे के मैट लेके आई हूँ। ले जी माशाल्लाह से मैट मैंने रख लिए हैं। अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे ये आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बताना है कि कैसे लग रहे हैं। अपनी तरफ से तो मैंने अच्छे लिए हैं। मैंने कोशिश की है कि मैंने बहुत देर से मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से मिल जाए कि ऐसे के मैचिंग हो जाए, लेकिन मुझे मिल गए हैं। थोड़ी बहुत मैचिंग हो रही है तो मैंने कहा चलो मैचिंग तो थोड़ी बहुत ही हो रही है, मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। जैसे वासे ने इंक गिरा दी थी तो देखे जाए, हर वक्त तो नहीं, जैसे मेहमान आते हैं, जैसे अभी ईद है तो ये मैंने कवर उतार दिए हैं, तो मुझे ऐसे के मैट नहीं मिले थे, मुझे मिल गए हैं। तो मैंने कहा बेहतर यही है कि जैसे भी मिल रहे हैं ले ले, मैचिंग थोड़ी बहुत हो रही है। जान मार देता है जी बंदा, घर बनाते बनाते घर बना लेता है बंदा। उसको अच्छी तरीके से सजाना, उसको मेंटेन करना ही बात होती है। ठीक है जी, अल्लाह ताला सबके घरों को आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह पाक हर किसी को अपने घर का सुख सुकून दे। तो यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ मच याद रखो, अल्लाह हाफिज़।